हेलो दोस्तों, मैं हूं राजवीर सागर और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल क्रूजर, जिसमें मिलती है आपको बहुत सारी रिव्यू की वीडियो। आज मैं लेके आया हूं आपके साथ क्रूजर पे एक बढ़िया सी कम्यूटर सेगमेंट में पल्सर 180 सीसी की बाइक, जिसमें आपको ABS मिल जाएगा, बहुत सारे ऐसे फीचर्स मिल जाएंगे जो बहुत ज्यादा आपको पसंद आएंगे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पता क्या होती है, अगर मैं अपनी बचपन की कुछ जर्नी आपके साथ शेयर करूं तो ये मेरी बहुत ही ज्यादा मनपसंद बाइक रही है शुरू से ही। क्यों रही है? क्योंकि यार इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है, इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल की। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। तो यह गाड़ी सबसे पहले आपको प्राइस के बारे में बता देता हूँ, 136,000 के आसपास की बाइक जो है वो डुअल मतलब डिस्क ब्रेक के साथ आपको मिलेगी। और अगर आपको सिंगल डिस्क ब्रेक में लेना है तो 131,000 के आसपास का आपको देखने को मिल जाएगा। ये जो प्राइस रूम है, बाकी अपने स्टेट में पता कर सकते हो नियर बाय शोरूम से। अगर आप दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली के शोरूम में मैंने विजिट नीचे करने के लिए डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका एड्रेस डाल दिया, वहां भी आप विजिट कर सकते हो। फर्दर ना करते हुए इसके बारे में बात करते हैं और कंप्लीटली इसकी नॉलेज के बारे में समझते हैं कि आप अगर कोई बाइक परचेस करना चाह रहे हो तो आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं। बाइक को लेने से पहले बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं इंसान को, बहुत ज्यादा हैवी सी की है, एवरेज तो नहीं देती है, बहुत सारी बातें हैं तरह तरह की। आज ये आज पूरे के पूरे डिटेल के बारे में समझते हैं बारीकी से। इसमें आपको काफी सारे कलर देखने को मिल जाएंगे, पर सबसे ज्यादा जो बढ़िया जो कलर लगता है ना मुझे, ब्लैक के ऊपर ब्लू कलर की ग्राफिक है, नेक्स्ट लेवल की बातचीत देता है। अगर हम बात करें पूरी बाइक के बारे में, सबसे पहले फ्रंट सस्पेंशन की, तो इसका जो फ्रंट सस्पेंशन का लुक है वो बिल्कुल, आपने देखा होगा बहुत टाइम पहले एक बाइक आती थी 180 पल्सर और जिसका पूरा फील 180 वाला ही मिलता था। तो अभी राइट ना उस पूरी गाड़ी के अंदर ना आपको ना 180 वाली फीलिंग ही मिलने वाली है। बस इसके अंदर सीसी है वो 150 सीसी की आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, 145 पॉइंट कुछ ऐसे कुछ सीसी है, मतलब एक तरीके से 150 सीसी का इसमें इंजन दे रखा है और पावर भी आपको 150 सीसी की मिलेगी। अगर मैं मैक्सिमम टॉप स्पीड की अगर बात की जाए तो 125 पर हावर किलोमीटर की स्पीड आपको देखने को मिल सकती है। और अगर एवरेज की बात की जाए तो जो ओनर जो होते हैं, उन राइडर जो होते हैं, उन लोगों से पूछने के बाद इसकी जो एवरेज है मैं वही बताऊंगा, तो आराम से इसकी एवरेज जो निकल जाती है 45 समथिंग आराम से निकल जाती है, 45, 46, 47 के आसपास की एवरेज दे देती है। बाकी कंपनी में अलॉट इतना ही करती है, 47 की एवरेज आपको मिल जाएगी पर लीटर पेट्रोल पर। अगर बात की जाए पूरे फ्रंट सस्पेंशन की, तो जैसे कि मैंने बताया आपको 180 वाले ही फील में आपको मिलेगी। इसके अंदर जो नॉर्मल सोकर देखने को मिलते हैं ये काफी हैवी है 150 के अकॉर्डिंग। पल्सर एक और आती है जो नॉर्मल सीट वाली होती है, अगर उससे कंपेयर करोगे इसके सोकरों को तो इसके सोकर काफी हैवी मिलेंगे उसके कंपैरिजन में। और अगर बात की जाए तो इसमें 17 इंच का आपको अलॉय देखने को मिल जाएगा, ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाएंगे और साथ में इसके अंदर आपको मिल जाएगा डुअल चैनल डिस्क ब्रेक की सिस्टम, मतलब इसमें आगे भी डिस्क ब्रेक मिल जाएगी देखने और पीछे भी डिस्क ब्रेक मिल जाएगी इसमें देखने में। अब मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करना चाहूंगा, इसमें डुअल ABS है या सिंगल ABS है, एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी आप जो सही बताएगा भाई मुझे बड़ी खुशी होगी कि आप मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीख रहे हो, समझ रहे हो, ठीक है। अभी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे एक रिफ्लेक्टर जो कि बहुत अच्छा लग रहा है, प्यारा सा लग रहा है, बहुत पुरानी जो पहले बहुत टाइम पहले जो आती थी 180 उसमें ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिलती थी, ABS वगैरह, उसमें सिंपल डिस्क ब्रेक देखने को मिलती थी। तो कंपनी ने काफ़ी सारी चीज़ें चेंज कर दी हैं। इसका जो पाइप है वो काफ़ी क्रिस्पी सा लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया क्यूट सा लग रहा है और काफ़ी अच्छी फिनिशिंग के साथ आपको देखने को मिल रहा है। उसके अलावा अगर मरगार्ड की बात करें तो काफ़ी हैवी बिल्ड क्वालिटी है और मरगार्ड जो है ग्राफिक के साथ दे रखा है, कार्बन फाइबर के ग्राफिक है, ब्लू कलर की छोटी सी नैरो कलर की एक स्टिकर्स में दे रखा है जो कि प्यारा सा लग रहा है। अलॉय व्हील के अंदर भी इन्होंने ग्राफिक अलग से लगा रखे हैं। और अगर बात की जाए टायर की तो टायर का जो साइज है वो 90-90-17 नंबर का देखने को मिलेगा आपको। अगर बात की जाए हेडलाइट की तो भैया इसके अंदर हेडलाइट मैं बता देता हूँ, वैसे तो कंपनी को इसमें LED हेडलाइट देने चाहिए पर इसके अंदर LED हेडलाइट आपको देखने को नहीं मिलेंगे, इसके अंदर नॉर्मल लाइट मिलेगी इसमें हेलोजन। इसके जो पार्किंग बल्ब है वाले इसमें भी हेलोजन मिलेगा और इसके अंदर जो नॉर्मल बल्ब है इसमें भी आपको हेडलाइट नॉर्मल ही मिलेगी, इसमें कोई भी LED हेडलाइट आपको नहीं मिलेगी। इंडिकेटर भी आपको इसमें नॉर्मल ही मिलेंगे, पर इंडिकेटर की एक खास बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसके इंडिकेटर ना बिल्कुल 90 डिग्री मुड़ जाते हैं और उसके बाद भी टूटते नहीं है, देखो पूरे एकदम मुड़ जाते हैं, प्रॉपर तरीके से फोल्ड हो जाते हैं, बिल्कुल भी टूटने के चांसेस में नहीं रहते। मतलब ये मान लो ये कहती है कंपनी कि भाई इंडिकेटर टूट ही नहीं सकते। और मैंने काफी सारी ऐसी गाड़ियां देखी है जिनमें इंडिकेटर मुझे बिल्कुल बहुत पुराने पुराने नजर आए हैं और गाड़ी जो है बहुत पुरानी हो चुकी है पर इंडिकेटर गाड़ी के साथ के ही है, मतलब टूटे नहीं है इंडिकेटर, तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है इसके अंदर, ठीक है। और इंडिकेटर में भी आपको नॉर्मल बल्ब ही देखने को मिलेगा, LED हेडलाइट मतलब LED बल्ब आपको देखने को नहीं मिलेगा। छोटा सा यहाँ पर स्टिकर दे रखा है जो कि 3D लुक दे रहा है और विंड स्क्रीन दे रखी है। विंड स्क्रीन की अगर बात की जाए तो ब्लैक कलर की दे रखी है पर हल्की हल्की आपको ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलेगी इसके अंदर। उसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ की इसके लुक की, तो इसका जो मीटर काफी हैवी सा दे रखा है, चाबी ऑन करके देखते हैं, इसकी ब्लू कलर की लाइट दे रखी है। और इसके मीटर की अगर बात की जाए तो कंपनी ने कहा है कि भाई इसके अंदर मीटर में इन्होंने पुराने वाले जो मॉडल था ना उससे इसको कंपेयर करना करा जाए तो काफी ज्यादा इसमें डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे आपको। सबसे पहली चीज तो ये कि ये ऑन बोर्ड डायग्नोस सिस्टम जो था इसके अंदर ऑन बोर्ड ये OBD वाला, ये सेकंड जनरेशन का प्लस 2024 वाला मॉडल है ये, ठीक है। दूसरी बात, ये जो गाड़ी है, ये वाला जो गाड़ी है ना, ये E20 वाला पेट्रोल भी आपका इसमें मैनेज हो सकता है, मतलब चल सकता है। प्लस इसके अंदर रियल माइलेज टेस्ट का भी देखने को मिलेगा आपको सिस्टम और लो फ्यूल इंडिकेटर भी है इसके अंदर और काफी सारी इसमें चीजें दे रखी हैं, जैसे कि मैं आपको चाबी ऑन करके दिखाऊंगा। ये देखना, ये देखो कितना कुछ अपने इसमें देख, लो बैटरी का, साइड स्टैंड का, किलोमीटर का, ठीक है, ट्रिप मीटर का, सारी चीजें इसमें दे रखी है। साथ में एक बटन यहाँ देखो मिल जाएगा, ABS की लाइट देखने को मिल जाएगी, न्यूट्रल लाइट यहाँ पर है। अगर मैं इंडिकेटर इधर की तरफ जलाऊंगा तो इंडिकेटर की लाइट सिंगल एक ही जलेगी, चाहे आप लेफ्ट का जलाओ चाहे आप राइट का, यही इंडिकेटर लाइट जलेगी, मतलब आपको एक इंडिकेट करेगा बस, ये लेफ्ट और राइट का अलग से इंडिकेटर की लाइट नहीं दे रखी है। उसके अलावा ये छोटा सा
मुझे नेगेटिव लगा, इसके अंदर गड्ढा दे रखा है, इसका अगर पानी नहीं भरेगा तो दिक्कत होगी। वैसे पानी ना भरे कंपनी ने इसके लिए एक छेद कर रखा है, बट फिर भी इसको अगर कवर करके कैप कर देते तो ज़्यादा अच्छा लगता कंपनी, बट कोई बात नहीं भाई, हमारे को इससे क्या मतलब। बट बस मैं यही बताना चाहूँगा, जो चीज़ है वो चीज़ है आपके सामने डिस्प्ले जो हो रही है। और इसमें एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, इसका जो हैंडल है वो काफ़ी उठा हुआ हैंडल है, आपको ज़्यादा झुकना नहीं पड़ेगा। अगर ये बात की जाए गाड़ी की तो ये कम्यूटर सेगमेंट में गाड़ी आती है, और उसके अकॉर्डिंग अगर बात की जाए सिटी राइड के लिए, तो आराम से आप इस हैंडलिंग को लेकर सिटी राइड कर सकते हो और लॉन्ग राइड भी कर सकते हो। और अगर मैं आपकी जगह होता भाई, मैं तो लॉन्ग राइड करता और बहुत ज़्यादा मुझे मज़ा आता। अब सबसे एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है इस गाड़ी के अंदर, कंट्रोल्स जो है इसके अंदर आपको ऑन ऑफ का बटन मिल जाता है, और साथ में इसके डिस्क ब्रेक जो है बहुत ही सिंपल वे में नीचे की तरफ दे रखा है, ज़्यादा उठा हुआ नहीं है। और लीवर जो है बहुत सिंपल सा दे रखा है, छोटा सा लीवर है। और हैंडल वेट जो है लोहे के दिख रहे हैं, प्लास्टिक हैंडल वेट नहीं है इसके अंदर, देख रहे हो लोहे के हैंडल वेट है, काफ़ी हैवी है। ग्रिप सेट भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी क्वालिटी, और जो एक्सेलरेटर काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है इसकी। और मिरर जो काफ़ी ज़्यादा बाइक होते हैं मिरर एडजस्टेबल नहीं होता, इसके अंदर मिरर एडजस्टेबल है, मतलब अगर मान लो ये मिरर लूज़ हो गया तो आप इसको यहाँ से टाइट कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये है ना, यहाँ से टाइट हो जाता है, ये पेज देख रहे हो, ये पेज टाइट करके आप मिरर को अपने सही कर सकते हो। काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता होता, तो ये चीज़ भी गलत है, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात की जाए हैंडल की, ट्रिपलिंग में हैंडल दे रखा है एल्यूमिनियम की फ्रेम के अंदर, काफ़ी ज़्यादा हैवी बिल्ड क्वालिटी के साथ है। चाबी जो है आपको देखने को मिलेगी कुछ टाइप की, 180 वाली चाबी नहीं मिलने वाली है, 180 की चाबी कंप्यूटराइज सिस्टम वाली चाबी होती है, वो बिल्कुल अलग है, ये बिल्कुल अलग है, ठीक है। और 180 गाड़ी का जो सिस्टम है इसके अंदर, पूरी ओवरऑल बॉडी की अगर बात की जाए लुक 180 वाला ही है, बट ये गाड़ी 150 ही है, ठीक है। और अगर बात की जाए एक छोटी सी चीज़ जो कंपनी ने बहुत अच्छी करी है, वो है इसका, पहले क्या होता था पुरानी वाली गाड़ी में ना पेट्रोल में पानी भर जाता था, अब वो कंपनी देखने को मिलेगी बिल्कुल अलग। इसका छेद जो है हल्का सा बड़ा कर दिया है, और ये जो है साइज़ जो है इसका थोड़ा सा हल्का बाइट करके हल्का और ज़्यादा डाउन कर दिया, बरसात में अगर पानी नहीं भरता भी तो सारा पानी यहाँ से निकल के बाहर निकल जाएगा। इसका जो पाइप है वो नीचे की तरफ दे रखा है, यहाँ दे रखा है नीचे की तरफ, देखो देखने को मिलेगा, देख रहे हैं ये देखो ये रखो ने पाइप, तो ये वाला पाइप यहाँ से आपका पानी सारा निकल जाएगा और आपको कोई दिक्कत भी नहीं देखने को मिलेगी। अगर बात की जाए पेट्रोल टैंक, तो भाई 15 लीटर का पेट्रोल टैंक है इसका, काफ़ी सही है, ये भी अच्छी बात है भाई। उसके अलावा कंट्रोल स्विच की अगर बात की जाए, तो भाई मुझे लगता है कहीं ना कहीं रात के टाइम इसमें LED लाइट जलती होगी, एक बार आप कमेंट करके बताना जलती है नहीं जलती। मैं स्टार्ट करके देखता हूँ इस गाड़ी को, हाँ लाइट जल रही है इसमें यार, मस्त लग रही है लाइट, देखो। और इसका साउंड सुनाता हूँ, उसका साउंड कैसा है, ये देखो भाई ये नॉर्मल साउंड है इसका, ठीक है ना। और अगर मैं रेस दूंगा तो देखो पेट्रोल नहीं है भाई इसका लग रहा है, ये देखो साउंड है ना भैया, साउंड काफ़ी अच्छा है गाड़ी का, एकदम रिफाइन साउंड है। कंपनी वालों ने काफ़ी ज़्यादा इसको रिफाइन कर लिया पहले से, और उन कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा इसकी क्वालिटी में ना काफ़ी ज़्यादा एनहेंस कर दिया, पहले से काफ़ी ज़्यादा एनहेंस किया है। और सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है मुझे, इससे DTS वाला सिस्टम है जो ना डुअल प्लग, जो इसमें डुअल डिजिटल स्पार्क प्लग के साथ उसमें दे रखा होता है, साथ में कंपनी ने इंजन की डायमेंशन को वही पुराना ही रखा है फील देने के लिए। और अगर बात की जाए इसके इंजन बिल्कुल पुराना ही है जो पहले जब स्टार्टिंग में आता था, बस कंपनी ने इसमें ABS वाला सिस्टम कन्वर्ट कर दिया है। देख लो इसकी थ्रोटल बॉडी, और ये इसका मैनिफोल्ड रबर, और इसका ये साइड में जो पाइप ले रखा है, ये क्योंकि गाड़ी BS4 कंप्लाइंट है, मतलब ये इसके अंदर जो पेट्रोल टैंक में पहले जो हॉल होता था ना ऊपर की तरफ, वो हॉल बंद कर दिया, अब यहाँ पे EVAP सिस्टम लगा दिया है, जिसकी वजह से उसका पेट्रोल जो उड़ेगा हवा में वो भी इसमें यूज़ हो जाएगा, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा O2 सेंसर है, सेंसरलेस गाड़ी है, और यहाँ पे दे रखा है टेम्परेचर सेंसर, वहाँ दे रखा है O2 सेंसर, डुअल स्पार्क प्लग इसमें दे रखे हैं, एक इधर है राइट साइड में और एक उधर है लेफ्ट साइड में, लेग गार्ड भी इसमें लगे हुए मिल रहे हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। हो सकता है गाड़ी खरीदने पर लेग गार्ड मिले या ना मिले, एक बार आपको नियर बाय शोरूम पर पता करना पड़ेगा। डुअल हॉर्न के साथ मिलती है गाड़ी, एक हॉर्न यहाँ मिलेगा और एक हॉर्न उधर मिलेगा, टू हॉर्न मतलब टू हॉर्न इसमें आपको देखने को मिलेंगे। एक्सेटर केबल इसमें सिंगल एक ही देखने को मिलेगी। और अगर बात की जाए इसके अंदर इसके कवर को, तो भाई ये जो कवर है ना गाड़ी के साथ ही मिलेगा, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। ये कवर मुझे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगा, आप एक बार पता कर लेना अपने शोरूम से साथ मिलता है या नहीं मिलता, मुझे लगता है जहाँ तक मिलता होगा, बाकी एक बार पता कर सकते हो। मैंने स्टड भी दे रखा है इसके अंदर, और काफ़ी अच्छी रिफाइनेंस के साथ इसका साइलेंसर ब्लैक कलर का, और इंजन ब्लैक कलर का साइन में, और ये साइलेंसर ब्लैक कलर का हल्का सा मैट में, तो ये फिनिशिंग दे रहा है। अगर बात की जाए पेट्रोल टैंक के पेंट की, तो स्पार्कल वाला पेंट हो रखा है, अगर धूप में खड़ी करो तो साइनिंग मारेगा, स्पार्कल टाइप का, देख लो साइनिंग मारेगा, ये बहुत अच्छा लग रहा है। और ये कार्बन फाइबर वाला देख लो, कार्बन फाइबर वाला सिस्टम फील दे रखा है, पूरा जाली दे रखी है यहाँ पर, ताकि एयर वगैरह जो है निकलती रहे अगर साइड से आती है तो। उसके अलावा अगर इसके सोकर बात की जाए, सोकर भाई इसमें बैलून सोकर दे रखे हैं, एडजस्टेबल सोकर हैं, और ये भी बहुत अच्छी बात है, काफ़ी हैवी बिल्ड क्वालिटी के साथ सोकर है, इंडोरेंस की मार्किंग यहाँ पे देखने को मिल रही है, इसका मतलब ये सोकर जो है इंडोरेंस कंपनी की ही मिलेंगे आपको। अगर मैं इसके स्विंग आर्म की बात करूँ, इसकी बात करूँ, तो ये 180 वाला ही है, इसके अंदर जो स्विंग आर्म है 180 वाला ही है, बट ये गाड़ी 150 है, ठीक है, इसी मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, और ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। उसके अलावा इसके ब्रेक पैडल बिल्कुल प्रॉपर 200-220 वाला फील दे रहा है, पर है ये 150 गाड़ी। और यहाँ पर इसको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएगी, पीछे का जो टायर है वो ट्यूबलेस है,
और आगे का भी टायर ट्यूबलेस है। और पीछे टायर की अगर साइज़ की बात करें तो भाई टायर का साइज़ है इसका 120/80/17 नंबर का टायर है इसका। ये डिस्क ब्रेक आपको देखने को मिल जाएगी सामने, सिंगल पिस्टन वाली डिस्क ब्रेक आप पीछे मिलेगी और डुअल पिस्टन वाली डिस्क ब्रेक आपको आगे मिलेगी। अगर उसके बात की जाए इंडिकेटर की तो भाई इंडिकेटर भी इसमें आपको नॉर्मल मिलेंगे जैसे कि मैंने बताया, पर इसके अंदर जो बैक लाइट है ना वो आपको LED मिल जाएगी, मतलब बैक लाइट आपको LED मिलेगी और साथ में बैक लाइट देखो पुरानी वाली जो फील होती है ना वही मिलेगी। ये देखो स्टेयर्स है, देख रहे हो ये स्टेयर्स देखने को मिलेगी इसके अंदर बैक लाइट में, तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे। ये रिफ्लेक्टर है, यहाँ नंबर प्लेट लाइट है नीचे की तरफ जो जलती है, देखो ये लाइट जलती है नंबर प्लेट की, यहाँ पर नंबर प्लेट पर लाइट दिखाई दे रात को इसलिए यहाँ पर लाइट लगा रखी है, बाकी रिफ्लेक्टर है ये, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। अगर बात की जाए पीछे के बिल्ड क्वालिटी की तो पीछे से कुछ ऐसी नज़र आती है गाड़ी, और अगर बात की जाए राइट साइड से तो ये देखो राइट साइड से कुछ ऐसी मतलब कुछ ऐसी नज़र आती है गाड़ी। अगर बात की जाए आगे पोस्चर से तो आगे के पोस्चर से तो कुछ ऐसी नज़र आती है आगे के पोस्चर से गाड़ी, और आगे के काफ़ी जो ना मतलब हैवी गाड़ी लग रही है काफ़ी ज़्यादा। और अगर बात की जाए इस साइड के लोग की तो इस साइड आपको हाफ चेन कवर देखने को मिलेगा प्लास्टिक का, ठीक है। 180 वाली गाड़ी में भी हाफ चेन कवर प्लास्टिक का आता था, इसमें भी प्लास्टिक का ही आता है 150 में भी। और उसके अलावा पीछे की तरफ एक साड़ी गार्ड आपको मिल जाएगा, वुमेन वगैरह के लिए होता है सेफ्टी पर्पस पे, साड़ी वाड़ी अंदर ना जाए, सूट वगैरह अंदर ना जाए। उसके अलावा यहाँ पर आपको साइड स्टैंड का सेंसर लाइट मिल जाएगा, साइड स्टैंड सेंसर लगा हुआ है इसके अंदर, साइड स्टैंड काफ़ी हैवी है। उसके अलावा अगर बात की जाए इसकी चेन की क्वालिटी तो काफ़ी हैवी है, ऑयल रिंग वाली चेन इसमें दे रखी है। और ये रहा हमारा सेकंड स्पार्क प्लग, देखो ये बगल हमारा, ये नीचे की तरफ यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपको हॉर्न सेकंड वाला, और ये है हमारा इसका इंजन स्टैंड मतलब इंजन कवर। और यहाँ पर आपको गियर देखने को मिलेंगे, इसमें टोटल 5 गियर हैं और वही सेम पल्सर वाले गियर हैं इसमें, पहला आगे और दूसरा ऊपर की तरफ, और अगर न्यूट्रल करोगे तो हल्का सा आपको डाउन करना है, पहला गेट डालने के बाद आपको हल्का सा ऊपर उठा लेना है, और अगर आप दूसरा गेट डालो हल्का सा डाउन की तरफ करना है, आपका न्यूट्रल गाड़ी हो जाएगी। और अगर बात की जाए पूरे ऑल ओवर लुक की तो भाई देखो कुछ ऐसा लुक आपको देखने को मिल रहा है यहाँ से, देख रहे हो कितना प्यारा लग रहा है लुक ये। बाकी मुझे तो भाई बहुत पसंद आई गाड़ी, एक बार आपको पसंद आई या नहीं आई एक बार कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। आपको इसमें दो मॉडल मिल जाएंगे, स्प्लिट सीट का भी मिल जाएगा, विदाउट स्प्लिट सीट भी मिल जाएगा, डिस्क ब्रेक भी मिल जाएगी सिंगल वाली, और डबल डिस्क ब्रेक भी आपको मिल जाएगी। बस यहाँ पर आपको नजर आएगा प्राइस का फर्क आपको देखने को मिल सकता है। बाकी आपको इस गाड़ी में पूरी गाड़ी में क्या खास लगा मुझे एक बार कमेंट करके बताना। बाकी मुझे तो भाई पूरी गाड़ी बहुत अच्छी लगती है पर्सनली, सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है भाई कंपनी ने इंजन वही दे रखा है जो पहले था, ये बहुत अच्छा। बस इसमें अगर कार्बोरेटर होता तो मज़ा ही आ जाता, पर कार्बोरेटर नहीं है, फ्यूल पंप वाली गाड़ी है, पेट्रोल टैंक के अंदर फ्यूल पंप है और थ्रॉटल बॉडी नीचे की तरफ देखने को मिल जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, अगर ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और बहुत सारी हमने मतलब रिव्यू की वीडियो डाल रखी है। अगर आपके मन में कोई और बाइक लेने का भी प्लान बन रहा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हो, हमने सारी बाइकों की वीडियो रिव्यू की डाल रखी है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया तरीके से। अगर आपको भी कोई और दूसरी बाइक की रिव्यू देखना तो एक बार कमेंट करके उस बाइक का नाम जरूर लेना। बाय बाय, टेक केयर।